यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू जबरदस्त गेम प्ले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस गेम प्ले वीडियो में अपन दोस्तों रैंप पर टेस्टिंग करने वाले हैं जेसीबी पावर की। तो दोस्तों, एक अकेली जेसीबी तो रुकने वाली नहीं है, यहाँ किसी भी रैंप पर देख सकते हैं आप दोस्तों, एकदम खतरनाक तरीके से कहीं भी चली जाएगी। और यदि फंस जाए तो अपन दोस्तों अपने डोजर से नीचे लगा करके इसको इस तरीके से पलट सकते हैं, और पलटने के बाद दोस्तों जब ये सीधी होगी तो बड़े ही आराम से निकल जाएगी। ओके, और यदि फिर भी ना निकले तो फिर दोस्तों अपन को डोजर थोड़ा सा और नीचे करना, मतलब इसका मुंह नीचे की ओर घुमाना है ताकि एकदम सिस्टम सही हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं, सस्पेंशन की कमी की वजह से, मतलब टायर पूरे टिक नहीं रहे इस वजह से अंदर दोस्तों, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो भाई लोग इसको पूरा नीचे टेक लेते हैं, और ये देखो टिकते टिकते और अब थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अड़ने का जुगाड़ है, ये देखो फंसते फंसते निकलने वाली है, बस थोड़ी सी और फंसी बची है मतलब बस निकलने में। तो दोस्तों ये देखो, ये धीरे 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 निकल के तैयार, मतलब झटके जोर लगा रही ना इसी वजह से। ओके, तो दोस्तों यदि अपन उपराली ब्रक दाब लें तो दोस्तों और फोकी निकलेगी, देख सकते हैं दोस्तों निकल के तैयार। तो इस टाइप से अपन कुछ निकाल सकते हैं अपना व्हीकल बिना किसी दिक्कत के। ओके, अब थोड़ा सा जैक फंस गया तो जिस वजह से दोस्तों दिक्कत आ रही। तो भाई लोग अब देखो, अब ये भी निकल जाएगा धीरे से। तो दोस्तों ये मतलब इस टाइप से जब अड़ जाती तो प्रेशर वाली चीज़ में इस चीज़ का फ़ायदा रहता कि अपन बड़े आराम से ही उसको निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, मतलब ये सबसे चीज़ का फ़ायदा रहता है। ये देखो दोस्तों यहाँ से भी निकल गया, तो बैग लेकर चलते हैं अब इसको और यहाँ से निकालते हैं। तो दोस्तों आज अपन इसकी मदद से ट्राली चढ़ाने वाले हैं दोस्तों ऊपर, दूसरे ट्रैक्टर को बुला करके, मतलब जो अपनी बिग वॉली ट्राली है तो दोस्तों उसको चढ़ाएंगे। ओके, तो कस्टमर में जाते हैं बिना किसी देरी के, और दोस्तों यहाँ से AI व्हीकल दूसरा मंगवा लेते हैं और अपन उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। और दोस्तों आज अपन इधर की साइड बुलाएंगे निहोलैंड, और निहोलैंड का कलर करेंगे रेड, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कलर अपन को सूट नहीं करता ये वाला, मतलब ब्लू कलर में लगता तो सही है, लेकिन फिर भी यदि और कलर करें तो दोस्तों एकदम अजीब सा ट्रैक्टर लगता है जिसमें चलाने बहुत ही ज़्यादा एकदम मज़ा आता है। ओके, तो दोस्तों अपन ने DJ भी लगा लिया और साइलेंसर अपन दूसरी साइड लगाएंगे ताकि अपना न्यूलैंड फुल चमके। और पिछले टायर कर लेते हैं दोस्तों ब्लैक रिम में, मतलब ब्लैक रिम में थोड़ा सा सही जचेंगे। ओके, तो या फिर क्रोम में भी, पर चलो ब्लैक ही कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ब्लैक एकदम सही सूट करता है। और फ्रंट में करेंगे टी गुड्डी, और दोस्तों टायर करेंगे 0.6 से 0.6 तक बाहर, और साइज भी अब मतलब साइज भी ठीक ठाक अप करेंगे इनका। तो दोस्तों फ्रंट साइज कर लेते हैं 1.3 तक, और इनकी वेट भी बढ़ा देते हैं ठीक ठाक। ओके, और बैक का भी दोस्तों, बैक का 1.1 तक, और दोस्तों व्हील की विड्थ भी ठीक ठाक बढ़ा लेते हैं। ओके, और दोस्तों आप लगाते हैं बिना किसी देरी के ट्रोली। ओके, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सही से तमीज़ से लैंडिंग हो जाए, लेकिन दोस्तों नहीं हुई, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था। उम्मीद है, पक्का नहीं कह सकता कि मतलब तमीज़ से लैंडिंग हो जाए, क्योंकि दोस्तों इसका सिस्टम ही कुछ ऐसा रहता है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा बुरी जगह गिरी है, लेकिन फिर भी फाइनली निकल गई। ओके, अब लेकर चलते हैं दोस्तों इसको वहीं पर सेम पोजीशन में, मतलब वहाँ पर जहाँ पर अपन को ट्राली चढ़ानी है या फिर जहाँ पर दोस्तों टेस्टिंग करनी है। तो देख सकते हैं परफॉर्मेंस इस समय तो ठीक ठाक है, शुरू में फन मोड लगा लेते हैं, जितनी ऊपर ट्राली चढ़ जाएगी उतनी ऊपर फ़ायदा ही रहेगा। और ये अपन ने यहाँ से काटा, और दोस्तों ये यहाँ से अपन ऊपर लेकर गए, और ये दोस्तों यहाँ तक लास्ट है भाई साहब, मतलब इन ट्रैक्टरों का बिल्कुल। ओके, क्यों अपन चलते हैं अपनी JCB पर और लाते हैं JCB को, और देखते हैं JCB पीछे से ट्राली उठा पाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों इसको डोजर का थोड़ा सा मुँह कर लेते हैं आप, मतलब ठीक ठाक, ताकि ये बिल्कुल सिस्टम सही हो सके। तो दोस्तों इसका पूरा डाउन करते हैं और देखते हैं पूरा डाउन करने के बाद कुछ हो पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसका ये सिस्टम जो है ये सही नहीं चल रहा, ये देख सकते हैं दोस्तों इस समय, मतलब ट्रैक्टर कहाँ पर उतर चुका है नीचे, मतलब नीचे उतर चुका है और बुरा फंस चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके, AI ऑन करते हैं और बैक में देखते हैं, बैक में निकल पाएगा यहाँ से नहीं। तो दोस्तों निकल पाएगा आराम से, ये देख सकते हैं आप, और ये अपन ने बंद कर दिया AI। तो दोस्तों निकल के तैयार, लेकिन अपनी JCB का जो डोजर है दोस्तों वो थोड़ा सा वर्क में प्रॉब्लम कर रहा है, जिससे अपन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसका देखते हैं मुँह घुमा करके घूमता है या फिर नहीं। तो दोस्तों वैसे ही देखते हैं अड़ा करके। ओके, तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं JCB को यहाँ से, और देख सकते हैं दोस्तों पीछे मतलब जैक कर रहे हैं ना, तो इस वजह से पीछे को भी नहीं हो रही ये सब, मतलब पीछे को ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा बुरी है, क्योंकि पीछे दोस्तों JCB के जैक होते हैं ना बहुत ही जल्द, इनका भी जैकों का भी प्रेशर देंगे दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगा कर देखते हैं इसको और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी मारेगी। तो दोस्तों नीचे मिलाते हैं बिल्कुल, ट्राली उठ गई यदि तो दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा, मतलब आराम से चढ़ा पाएंगे अपन ट्राली फिर यहाँ से। तो दोस्तों ये देखो अपन ने ये ऐसे जोर लगवाया, तो दोस्तों AI व्हीकल ऑन कर देते हैं और जोर लगवाते हैं दोस्तों कॉपी प्लेयर पर, मतलब कॉपी प्लेयर पर एकदम सही जोर पड़ेंगे। तो दोस्तों कॉपी प्लेयर पर जोर लगवाते हैं, और ये देखो कॉपी प्लेयर पर जैसे अपन स्टेयरिंग काटेंगे उसी तरीके से स्टेयरिंग कटेगा। तो दोस्तों अब अपन पीछे सहारा लगा रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन दोस्तों ट्रैक्टर की लैंडिंग हो गई बहुत ही ज़्यादा गलत, तो ये सबसे बुरा सिस्टम है। तो पहले ट्रैक्टर को सेट कर लेते हैं। ओके, मतलब ट्रैक्टर को यदि सेट नहीं करेंगे तो दोस्तों सिस्टम गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रैक्टर भी यहाँ पर बुरा फंस चुका है, देख सकते हैं आप। तो यार यहाँ पर
अनसक्सेसफुली रहता, मतलब जब भी मतलब यहाँ पर ट्राली चढ़ाओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, मतलब ऐसा चढ़ ही नहीं पाती ट्राली। और यदि अपन छोटी वाली ट्राली चढ़ाएं तो उसे तो ट्रैक्टर अकेला ही लेकर चढ़ जाएगा, मतलब जो अपनी जो दोस्त ये वाली ट्राली है इसे बिना किसी दिक्कत के अपना ये छोटा सा व्हीकल ही लेकर यहाँ पर ये देखो ये लेकर तैयार और ये देखो चढ़ गया ऊपर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। और यदि यहाँ पर ही दोस्तों अपन बिग वाली ट्रॉली लाएँ दोस्तों वो कुछ इस टाइप से आ जाती है, और दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ से भी ये जा नहीं पाएगी। तो दोस्तों इसको यहीं पर रहने देते हैं और देखते हैं यहाँ पर सहारा लगाकर के। ओके तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के जेसीबी पर, और इसका आप देखते हैं डोजर घुमा करके घूमता है या फिर नहीं। दोस्तों अब भी इतना ज़्यादा मतलब घूम ही नहीं रहा जो फ्रंट का जो मतलब, अगर यदि उसको ज़्यादा दोस्तों अटैच कर दो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और ये देखो मतलब लगने के बाद देख सकते हैं दोस्तों अपन, अब AI व्हीकल चालू करते हैं और ये देखो ये चढ़ी चढ़ी चढ़ी, और दोस्तों देख सकते हैं मिलती मिलती चढ़ गई, और ये ट्रैक्टर गलत जगह पर लैंडिंग जा रहा है। दोस्तों ट्रैक्टर हो चुका है टेढ़ा और ट्रैक्टर दोबारा सीधा भी हो चुका है, और AI अब बंद कर देते हैं ताकि ट्रैक्टर रुक जाए। ओके दोस्तों देख सकते हैं फाइनली अपनी यहाँ से तो चढ़ गई, नीचे से दोस्तों चढ़ जाएगी नीचे से भी, क्योंकि JCB ये वाली प्रेशर ठीक वर्क करती है, मतलब ट्राली को उठा लेती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो दोस्तों ये देखो JCB कहाँ से गिरी, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ओके बाकी इसको देख सकते हैं दोस्तों आप कहाँ पर चढ़ा खड़ा है। ओके तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना, थैंक्स वॉचिंग एंड लव यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय टाटा एंड लव यू दोस्तों।